वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। और आज हम है कोयम्बटूर के करीमोटो स्पीडवे पर एक नई इटालियन मोटरसाइकिल चलाने के लिए। इस मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है और भारत से ये एक्सपोर्ट भी होती है। से हेलो टू द ऑल न्यू अप्रिलिया आरएस 457। ये इस ब्रांड की ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है जो 500cc सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में लॉन्च की गई है। हम इसे इस रेस ट्रैक पर चलाएंगे और आपको बताएंगे इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और ब्रेकिंग के इनिशियल इंप्रेशंस के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें। शुरुआत करते हैं इस मोटरसाइकिल की डिजाइन से। फैट मोटरसाइकिल्स दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, मगर ये बाइक सच में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये इंस्पिरेशन लेती है अप्रिया की आरएस 660 से, जो कि इस ब्रांड की मिडिल वेट सुपर स्पोर्ट ऑफरिंग है। इसकी थ्री पॉड एलईडी हेडलाइट बहुत ही शार्प दिखती है। स्पोर्टी लाइंस इस मोटरसाइकिल को एक बहुत ही अग्रेसिव लुक देती है। इस मोटरसाइकिल पर आपको मिलते हैं क्लिप ऑन हैंडल बार्स, स्प्लिट सीट, रियर सेट फुट पेग्स और एक फुल डिजिटल डिस्प्ले। एक सुपर स्पोर्ट होने के कारण अप्रिलिया की आरएस 457 की सीटिंग पोजीशन काफी अग्रेसिव है। फ्रंट लीनिंग राइडिंग स्टांस होने के बावजूद इसका राइडिंग स्टांस उतना अग्रेसिव नहीं है और आप इस मोटरसाइकिल को कंफर्टेबली काफी टाइम तक चला सकते हैं। ट्रैक पर चलाने के टाइम सीट की कुशनिंग का इतना कुछ अंदाजा नहीं मिलता, मगर सीट की कॉन्टोरिंग और डिजाइन काफी अच्छे से की गई है। राइडर सीट लंबी होने के कारण आप आसानी से पीछे की तरफ शिफ्ट होकर डक्ट डाउन पोजीशन में बाइक को चला सकते हैं। ये मोटरसाइकिल पावर्ड है एक 457cc लिक्विड कूल पैरल ट्विन मोटर से, जिसका एक हाई रेविंग नेचर है और इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 47 bhp और पीक टॉर्क आउटपुट है 43.5 Nm, जिससे जुड़ा है एक 6-speed गियर बॉक्स विद स्लिपर क्लच। अब हम इस बाइक को तो चलाने वाले ही है अभी रेस ट्रैक पर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाता हूँ मैं इस मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट नोट। चलिए सुनते हैं। इसका एग्जॉस्ट नोट तो काफी तगड़ा लग रहा है। अगर आपको भी एग्जॉस्ट नोट पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिए। करीमोटो स्पीडवे एक काफी टेक्निकल ट्रैक है, जहां पर एक मोटरसाइकिल की डायनामिक्स और हैंडलिंग को अच्छे से टेस्ट किया जा सकता है। अप्रिलिया ने उनके आरएस 457 को इक्विप्ड किया है यूएसडी फोक्स के साथ आगे की तरफ और एक मोनोशॉक पीछे के लिए। ये सस्पेंशन सेटअप प्रीलोड एडजस्टेबल है, जिससे राइडर अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता है। अब फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस और लिमिटेड टाइम होने के कारण हमें इस मोटरसाइकिल को स्टॉक सेटिंग्स में ही चलाने को मिला। मेन स्ट्रेच पर मोटरसाइकिल ने 163 kmph का टॉप स्पीड अचीव किया। ब्रेकिंग के लिए RS 457 को इक्विप्ड किया है डिस्क ब्रेक्स दोनों साइड की तरफ, जो डुअल चैनल ABS से असिस्टेड है। इसके अलावा अप्रिलिया ने इस मोटरसाइकिल पर ऑफर किया है 3 ट्रैक्शन कंट्रोल के सेटिंग्स और 3 राइडिंग मोड्स, जिसको आप अपने राइडिंग प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक रेस ट्रैक एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्रिलिया की आरएस 457 की इंजन काफी रिफाइंड है और इसका परफॉर्मेंस बल्कि में बहुत ही दमदार है। और इसके अलावा सस्पेंशन की बात की जाए तो इसका स्टॉक सस्पेंशन एक रेस ट्रैक के लिए थोड़ा सॉफ्ट फील हुआ मुझे, लेकिन आपको मिलता है इस मोटरसाइकिल में प्रीलोड सेटिंग बोथ एंड्स पे, जिसे आप इसको फाइन ट्यून करके स्टिफ या हार्ड कर सकते हैं, जिससे आपको चाहिए वैसी सेटिंग पा सकते हैं। और लास्टली बात आती है ब्रेकिंग की, जिसके लिए इस मोटरसाइकिल का बाइक और ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर है। अभी अप्रिलिया इस मोटरसाइकिल पे ऑफर करती है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, मगर इसके बदले अगर ये कंपनी इस मोटरसाइकिल के लिए सिंटर्ड ब्रेक पैड्स ऑफर करती है, जो कि KTM उनके RC 390 और Duke 390 पे ऑफर करती है, तो उससे इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को और भी बेहतर किया जा सकता है। अप्रिलिया ने RS 457 को प्राइस किया है ₹410,000 एक शोरूम महाराष्ट्र, जो कि एक सब 500cc फुली फेड सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल के लिए एक बढ़िया प्राइसिंग है। कंपटीशन के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल राइवल करती है KTM की RC 390, कावासाकी नींजा 400 और यामा की YZF R3 के साथ। तो अप्रिलिया RS 457 के फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस के बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल इमेजेस
में तो बेहतरीन दिखती है, लेकिन इन द फ्लैश ये मोटरसाइकिल सच में बहुत ही खूबसूरत है। और इसका स्पोर्टी राइडिंग स्टांस तो है ही, लेकिन वो वाकई में कंफर्टेबल भी है, ताकि आप इसको आराम से भी चला सकते हैं। और इस ट्रैक पर चलाने के बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी पोटेंट है, और आपको एक काफ़ी एंगेजिंग नेचर है इसका। लेकिन इसका बेस्ट सेलिंग पॉइंट जो मैं बोलूँगा इसके डिज़ाइन के बाद है इसकी हैंडलिंग, जो इस ट्रैक पर बहुत ही बेहतरीन से इस मोटरसाइकिल को पूरे सर्किट पे अलग अलग कॉर्नर्स पे बहुत बेहतरीन सफाई से निकल जाती है। अब ये हुई बात इस मोटरसाइकिल इस रेस ट्रैक पर, लेकिन हम आपको एक डिटेल वीडियो भी देंगे रियल वर्ल्ड में जब हमको ये मोटरसाइकिल मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक कीजिए, और आपके दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी। आई एम जनक सौरभ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।